नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से लगी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण के स्थानीय अदालत के आदेश के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वाराणसी की जिला अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की है। अदालत 9 जुलाई को इस बारे में फैसला करेगी कि याचिका को स्वीकार किया जाए या फिर नहीं। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से वकील अभय यादव और तौहद खान ने सिविल लाइन जज सीनियर डिवीजन के साल 8 अप्रैल के उस आदेश को पुनरीक्षण याचिका के जरिए चुनौती दी है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 5 सदस्यीय कमेटी की देखरेख में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की खुदाई का आदेश दिया गया था। अदालत ने आदेश दिया था कि ASI खुदाई करके ये पता लगाए कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मंदिर था या मस्जिद था और देश की आज़ादी के वक्त परिसर का धार्मिक स्वरूप कैसा था। लेकिन मस्जिद प्रबंधन कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही थी। वकील अभय यादव के मुताबिक पुनरीक्षण याचिका में हमने मांग की है कि इस पूरे मुकदमे की सुनवाई का अधिकार यहाँ की अदालत को नहीं बल्कि सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ को है। इस मुद्दे पर एक मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 का इस आदेश में उल्लंघन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के दिन धर्मस्थल की जो स्थिति रही है वैसे ही रहेगी। लगभग 400 वर्ष पुराने मस्जिद की खुदाई से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और मौके पर शांति व कानून व्यवस्था भी प्रभावित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।